बिलासपुर में स्थित मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में आज से मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के जलाशयों एवं नदियों में मछलियों का शिकार आरंभ हो जाएगा। 1 जून से 31 जुलाई तक मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध मत्स्य विभाग ने लगाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मछलियों के प्रजनन में बढ़ोतरी करना था। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त से मत्स्य आखेट पर लगा प्रतिबंध हट गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के जलाशयों एवं नदियों में आरंभ की गई मछली शिकार प्रतिबंध 1 जून से 31 जुलाई तक लगाया गया था। इस दौरान मछलियों के शिकार पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध था, लेकिन मानसून के देरी से हिमाचल में सक्रिय होने के चलते इसे बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया गया था, क्योंकि इस दौरान मछली का प्रजनन होता है। बिलासपुर स्थित मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त से मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के जलाशय एवं नदियों में मछलियों का शिकार अब आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जून से 31 जुलाई तक मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मछलियों के प्रजनन में बढ़ोतरी करना था, लेकिन वास्तव में मॉनसून के हिमाचल में देरी से सक्रिय होने के चलते इस अवधि को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के मछुआरे मत्स्य आखेट आरंभ कर देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के जलाशयों गोविंद सागर झील, पोंग डैम, कौल डैम सहित संपूर्ण जलाशयों में अब मछुआरे मत्स्य आखेट से अपनी आजीविका चला सकते हैं। विभाग द्वारा 1 जून से लेकर के 31 जुलाई तक जो था वो प्रतिवर्ष बंद सीजन का आयोजन किया जाता था, बंद सीजन होता है जिसमें मछलियाँ जो अंडे देती थी, लेकिन इस बार भी विभाग ने 15 दिन जो थी उसको उस को बढ़ाया था, क्योंकि मॉनसून जो है हमारी वो डिले थी और उसमें प्रजनन जो था पूरा नहीं हुआ था। जो ये 15 अगस्त को ईसाएँ को जो है हमारे सभी जलाशयों के मछुआरे जो हैं वो अपना मत्स्य अखेट करने का जो है वो प्रारंभ कर देंगे और वो मछली जो है 16 तारीख को सुबह सभी जो है वो लैंडिंग सेंटर के मत्स्य अवतारण केंद्र जो निर्धारित किए गए होते हैं उस पे लेकर के आएंगे।